नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका अपना एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, अपना भी ठीक है जी, काम चल रहा है बहुत बढ़िया। अभी आज की डेट की बात करूं तो आज 11 तारीख होगी है जी, 11 फरवरी 2023 और टाइम सुबह के 8 बज गए हैं। चार ट्रिप अपने कंप्लीट हो गए हैं एयरपोर्ट के, पाँचवें के लिए वह वेट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके जाऊँगा क्योंकि 8 बज गया। अब इसके बाद रश खत्म हो जाता है, इक्का दुक्का राइड रह जाती है आने के लिए, और उसके लिए भी गाड़ियाँ बहुत होती हैं जीरकपुर, इसलिए मैं यहाँ से वापस नहीं जा रहा। अभी यहीं वेट कर लेते हैं आधा पौना घंटा, एक घंटा जितना टाइम लगेगा, बस अभी यहीं से लेके निकलेंगे जहाँ भी जाएंगे। उसके बाद ये पार्ट अभी लेट शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत जल्दी सुबह राइड ड्यूटी ऑन कर ली थी मैंने 2 बजे के आसपास, उस टाइम पे अंधेरा बहुत था इसलिए कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन जितना किया है शूट वो आप एक बार चेक, पहले बाहर का आप मौसम चेक कर लो और टाइम चेक कर लो, वो एक गैस लगा लो क्या हो रहा होगा, वो आपको दिखा भी देता हूँ मैं अंधेरे से। और ये लो, ये टाइम भी देख लो, अभी सुबह गए 2 बज के या रात के लगा लो 2 बज के 10 मिनट, गाड़ी मैंने लगा दी है कोल्ड स्टार्ट में, जैसे ही गाड़ी टेम्परेचर उठाती है बस लेके निकलते हैं। CNG के अपने वो 2 पॉइंट दिखा रहा है ये, और यहाँ से 1 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से चलूंगा मैं, ये 1 पॉइंट भी डाउन आ जाएगा, 1 ही पॉइंट रह जाएगा। तो सबसे पहला काम आज का यही है, जाके सबसे पहले CNG रिफिल करवा, ये आप चेक कर सकते हो और CNG लेवल भी देख लो। CNG रिफिल करवा ली, जीरकपुर आ गया हूँ अपने अड्डे पे जहाँ मैं हमेशा आके खड़ा होता हूँ सुबह। ये सामने बिग बाजार है और ये पीछे बस स्टैंड है जीरकपुर का, और ये रोड सीधा शिमला वाला हाईवे है, सीधा यहाँ से कालका शिमला हाईवे करते हैं वेट, क्योंकि देखो अपनी ड्यूटी है सुबह टाइम से ड्यूटी ऑन कर लेना, काम हो ना हो वो अपने हाथ में नहीं है। आज के दिन की पहली राइड होगी कंप्लीट एयरपोर्ट पे, कर दिया ड्रॉप। ये पीछे एयरपोर्ट है सारा देख लो, ये अब आगे भी आपको दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा तो आपको पहचान आ जाएगी कहाँ है, क्योंकि अभी रोड पे चल रहा हूँ और इस टाइम ना रुक सकता नहीं मैं, क्योंकि टाइम पूरा पीक आर पे, अभी 4 बज गए हैं और इस टाइम एयरपोर्ट के लिए घमासान मचता है सुबह सुबह जीरकपुर ना, जिसके लिए निकल के आते हैं घर से मेनली, और बाकी तो ट्रिप चलते रहते हैं सारा दिन, ठीक है। और दिन में ये गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए एयरपोर्टों को चलता तो है दिन में भी काम, लेकिन 9:30 बजे तक सुबह लास्ट है, इसके बाद एयरपोर्ट के लिए काम नहीं है, उसके बाद शाम को काम निकलता है एयरपोर्ट के लिए। ये देखो कलरफुल लाइटें, कितना प्यारा लगता है रोड, वो देखो दूर तक है, यहाँ से कैमरे में इतना दिखता नहीं है। हाँ वो देखो, देखो कैसे फ्लाईओवर घूम रहा है और कहाँ तक लाइटें लाइटें, मजा आता है देख के। ये तो रोड बाई चांस एमरजेंसी के लिए इन्होंने ऐसे बना रखे हैं भी, अगर रनवे पे कुछ दिक्कत हो जाए तो यहाँ लैंड करवा दे। आ जाओ, अभी फिलहाल अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी कंसंट्रेट करते हैं ड्राइविंग पे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और फटाफट जीरकपुर चलते हैं, 10 किलोमीटर है यहाँ से खाली जाना है। अब इसके बाद ले चलता हूँ मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर, एग्जिट तो मैंने आपको बहुत दिखाया, आज आपको एंट्री दिखाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि अभी ना कल क्या हुआ है, कल एक ड्राइवर के साथ ये इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं चाहता कोई अपने फैमिली के मेंबर के साथ ऐसा हो जाए। वो बेचारा पहली बार एयरपोर्ट आया था, अब हर किसी के मन में होता है यार जहाज देखना है ना, कि कैसा होता है कितना बड़ा होता है, क्योंकि सुना ही होता है अब तक तो जिसने कभी नहीं देखा, और वो बेचारा ऊपर खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद उसको कम से कम वो आधे घंटे के आसपास ऊपर खड़ा रहा, और जब वो नीचे उतरा है ना उसकी 1400 रुपये की पार्किंग कटी है, इतने तो पता नहीं उसने सारे दिन में बनाने दे पता नहीं। इसलिए मैंने पार्ट शूट किया है ताकि आपको मैं दिखा दूं कहाँ से एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, कितना टाइम लगता है, क्या है, आप भी कर लो एंजॉय। आज ले चलता हूँ आपको एयरपोर्ट के अंदर।
जो अपने को स्लिप वहां मिली थी वो यहाँ एग्जिट पे आके देनी होती है, जिससे आपके टाइम का पता चलता है। अगर आप विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आ जाते हो जहां से आपने स्लिप लिया वहां से इस पॉइंट तक जहां भी मैंने स्लिप दी आके, तो आपको कोई चार्जेस नहीं है। अदरवाइज आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, तो स्लिप के ऊपर मेंशन है कितने आपको पे होंगे कितने मिनट के लिए उसके बाद। इसलिए जो भी मेरा भाई कभी पहली बार एयरपोर्ट पे आए तो जहाज देखने के चक्कर में मंजी न ठुकवा लेना अपनी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से बाहर निकलो बैरियर से। टाइम आप चेक कर सकते हो, 6:48 हो गए, ऑलमोस्ट 7:00। और ये देखो बारिश भी हल्की हल्की लगी बूंदाबांदी, बाकी एक ये जा रहा अपना शिकारी साथ में, एक वो जा रही है सामने अपनी रानी सुंदरा वो लाइटों पे। अभी तक का अपडेट ये है, 3 ट्रिप लगे हैं एयरपोर्ट के, 7:00, अभी 1 घंटा और है, 1 घंटा 7 से 8 तक अभी भी सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के ट्रिप मार रहे हैं और कहीं का नहीं, बाकी बाद में देखते हैं। टाइम 8:20 हो गए हैं और 9:00 फ्लाइट का टाइम भी है, अब अपना आराम से 15-20 आधा घंटा वेट करते हैं, क्योंकि अब आपने देखा है 2:00 का उठा हुआ, आंखों में नींद भी रड़कती है एकदम से, इतना नहीं गाड़ी चलाई है। कुछ ये भी है अभी जैसे सूरज निकला है और उस टाइम पे अंधेरा था तो चलता रहता है, अब जैसे ही सूरज निकलता है ना रोशनी पड़ती है आंखों पे तो एकदम से जलन सी महसूस होती है एकदम से, तो ये अभी जैसे ही रोशनी आई है थोड़ा सा इसका भी यूज थ्रू होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी चाय चोय पी ली, आराम से खड़े हैं वेट कर रहे हैं, और एक बाहर फूल हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो दिखाता हूँ आपको। अभी इतना तगड़ा देखो मैं कैमरामैन तो हूँ नहीं, जैसा शूट हुआ वो आपको दिखा दूंगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर। बात करूं जी 9:40 हो गए हैं और अभी तक राइड पड़ी नहीं, आज सैटरडे है, पता नहीं क्या हुआ आज क्या नहीं, पता नहीं फ्लाइटें डिले हैं या क्या है। वैसे अमूमन सैटरडे को इतना डिले होता नहीं है, संडे को जरूर होता है क्योंकि संडे को फ्लाइटें बहुत कम होती हैं। उसके बाद भी आज काम नहीं निकला, वो सुबह सुबह लग गए जो 4 ट्रिप लगने थे, उसके बाद आपके सामने यहाँ 8:00 से वेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट टाइम 9:50 हो गए हैं, 10:00। अब देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड कर दिया जाए, जितना 7-8 मिनट का बन गया है, इसके बाद दूसरा व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। और उसमें मेरे को ना लास्ट वीडियो पे यार कमेंट आया था एक कि भाई नो कैप ओनली टर्बन, लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेरे को ना यार थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण मेरे को क्या है बार बार ना लोशन है कि वो लगाना पड़ता है, ठीक है, जो अगर मैं टर्बन पहन लूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा यार आगे से आपको जितने व्लॉग दूं सारे टर्बन के अंदर दूं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। होप उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं लेकिन जितना का था वो बहुत ज़रूरी है नए बंदों के लिए, वरना जैसे अभी मैंने आपको बताया ना 1400 का फटका लगा 1/2 घंटे के कारण, उस रिगार्डिंग बहुत कुछ है अगर जिसने सीखना है, ठीक है जी। आपको शायद वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं जी किसी और बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा।